में मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी हुकाम 13 जनवरी को रकम मौसूल होने के लिए पुरउम्मीद। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम 1 अरब 90 करोड़ डॉलर हो जाएगी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा, लिबरल काबीना मुनकसिम। सलमा जाहिद समेत दीगर का अवामी तौर पर जनूबी अफ्रीका की तहरीक की हिमायत का मुतालबा। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर जनूबी अफ्रीका के इस दावे को मुस्तरद करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जीटीए समेत जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी। 10 से 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा की जुमे की शाम से हफ्ते की सुबह तक बर्फबारी की पेशगोई। कनाडा के तावुन से अमेरिका और बरतानिया का यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमला। बाइडन का कहना है कि ऑपरेशन में साथ देने वाले ममालिक में कनाडा भी शामिल है। ऑपरेशन हौसियों के तजारती बहरी जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में शुरू किया गया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. कैनेडियन हुकूमत गजा में फौजी कार्रवाइयों पर इसराइल को बैन अलाक्वामी अदालत इंसाफ में ले जाने की जनूबी अफ्रीका के इकदाम पर मुनकसिम काकस के दबाव में है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत गजा में फौजी कार्रवाइयों पर इसराइल को बैन अलाक्वामी अदालत इंसाफ में ले जाने की जनूबी अफ्रीका की बोली पर मुनकसिम काकस के दबाव में है। तवक्को है कि जल्द अपने मौकफ का ऐलान करेगी, क्योंकि इस केस की समाअत हैग में शुरू हो गई है। कुछ लिबरल एमपीज बशमूल साबिक पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मेंडिचिनो हुकूमत पर जनूबी अफ्रीका के इस दावे को मुस्तरद करने के लिए दबाव डाल रहे हैं कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई नस्लकुशी है, जबकि सलमा जाहिद समेत दीगर कनाडा से अवामी तौर पर जनूबी अफ्रीका की तहरीक की हिमायत का मुतालबा कर रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक अदालत में जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त की हिमायत या मुखालफत के लिए सफ़े आ रहा है, लेकिन वजीर खारजा मिलानी जूली ने अभी तक कनाडा का मौकफ बयान नहीं किया है। पाकिस्तानी नशात कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट और कनाडा फलस्तीन पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप की सदर सलमा जाहिद ने हुकूमत कनाडा से मुतालबा किया है कि वो आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त की हिमायत करे। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी के जराइम का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया है। ताहम जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत ने अभी तक इस हवाले से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। याद रहे कि इससे कबल सलमा जाहिद समेत मुतादिद अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम कनाडा जस्टिन ट्रूडो को गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने पर राजी कर लिया था। जीटीए समेत जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जीटीए समेत जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी है। हॉल्टन, पील, यॉर्क, डरहम, वाटरलू, वेलिंगटन, डिफरन, इनिसफल और कॉटेज मुल्क के कुछ हिस्से इस वक्त मौसम सरमा के तूफान की निगरानी में हैं। एनवायरमेंट कनाडा ने जुमे की शाम से हफ्ते की सुबह तक बर्फबारी की पेशगोई की है। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी ने सूबे के कुछ हिस्सों में 10 से 25 सेंटीमीटर तक भारी बर्फ जमा होने और 3 से 5 सेंटीमीटर फी घंटा तक बर्फबारी की शरह से खबरदार किया है। कुछ इलाकों में बर्फबारी और तेज हवा के झोंके होंगे। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि अगरचा मौसम सरमा के तूफान के इम्कान ज्यादा हैं, लेकिन इस मौसमी निज़ाम के दुरुस्त ट्रैक के बारे में
कुछ गैर यकीनी सूरत हाल है। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी ने जुमे की दोपहर के आखिर में बर्फबारी शुरू होने की पेशगोई की है, जो बाज़ औकात तेजी से भारी हो जाएगी। जुमे की रात बारिश के दौरानी में तब्दील होने से पहले, क्योंकि दर्जा हरारत अंजुमात से बढ़ जाता है। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली जनूब मशरकी हवाएं इस भारी बर्फ के साथ मिलकर बाज़ औकात नुमाया तौर पर हद निगाह को कम कर देगी, जबकि जुमे की रात को जमने वाली बारिश का भी खतरा है। निज़ाम के तहत शहर के बेशतर हिस्सों में कम अज़ कम 10 सेंटीमीटर बर्फबारी का इम्कान है। हफ्ते के आखिर में आने वाला तूफान भी दर्जा हरारत में नुमाया कमी के साथ आएगा, जो अगले हफ्ते के बेशतर हिस्से तक बरकरार रहेगा। इतवार को ज्यादा से ज्यादा -6 सेंटीग्रेड मुतवक्के है। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने कनाडा और दीगर इतिहादियों की हिमायत से यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों के जेर इस्तेमाल एक दर्जन से ज्यादा मकामात पर हमला किया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने कनाडा और दीगर इतिहादियों की हिमायत से यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों के जेर इस्तेमाल एक दर्जन से ज्यादा मकामात पर हमला किया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हमलों का मकसद ये जाहिर करना था के इतिहादी बुहीरा अहमद में बहरी जहाज़ों पर ग्रुप के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खित्ते में अमरीकी क़यादत में ऑपरेशन हौसियों के तजारती बहरी जहाज़ों पर ड्रोन और मिज़ाइल हमलों के जवाब में शुरू किया गया था, जो इसराइल और हमास जंग के आगाज के बाद शुरू हुआ था। कनाडा के मुसल्ह अफवाज ने दिसंबर में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन में शामिल होने के लिए 3 स्टाफ अफसरान को तैनात किया। जुमेरात को इत्तेहाद की तरफ से की जाने वाली पहली फौजी कार्रवाई थी, जो बाइडन के बकौल सिफारती मुज़ाकरात की कोशिशों के बाद अमल में आई। यह व्हाइट हाउस और शराकतदार ममालिक की जानिब से हौसियों को हमले बंद करने या मुमकिन फौजी कार्रवाई का सामना करने के लिए खबरदार करने के एक हफ्ते बाद भी आया है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नैदरलैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया की हुकूमतों ने बुध को एक बयान जारी करते हुए अमरीका और बरतानिया में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद बुहीरा अहमद में कशीदगी को कम करना और इस्तेहकाम की बहाली है। इत्तेहादी अहम आबी गुजरगाहों में जानों के दिफा और तजारत की हिफाजत से दरेख नहीं करेंगे। इस हफ्ते के शुरू में हौसी बागियों ने बुहीरा अहमद में जहाज रानी को निशाना बनाने वाले ड्रोन और मिसाइलों के अपने अब तक के सबसे बड़े बैराज को फायर किया। अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाजों और अमरीकी लड़ाका तैयारों ने 18 ड्रोन, 2 क्रूज मिसाइल और 1 एंटी शिप मिसाइल को मार गिराया, और जुमेरात को हौसियों ने खलीज अदन में एक जहाज शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसे देखा गया लेकिन तिजारती जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.